इस पर्दे में रहने से ना एक और फायदा है, अरे किसी की नजर भी नहीं लगती है हमें। वैसे आपको पता है हमारी नजर किस पर है? वो सीरियल नजर में जो पिया की बहन थी, याद है आपको सावी, उसका असल जीवन में नाम सिमरन है। ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन कैसे जिएगी सिमरन अपनी जिंदगी अगर वो कोरोना से नहीं बचेगी? देखो कोरोना से बचने के लिए कैसे तैयार है हमारी सिमरन। जरा कुछ दादी अम्मा और हमारे सदियों पुराने नुस्खे ट्राई किया जाए, क्योंकि हमारी रसोई में ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं। तो चलते हैं सिमरन की रसोई में और जानते हैं एक ऐसा काढ़ा बनाने की रेसिपी जो आपको कोरोना से बचाने में काफी मददगार हो सकता है, क्योंकि ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो बेसिकली कोरोना वायरस क्या है, लोग कह रहे हैं उसे लोग मर रहे हैं, ऐसे ही लोग नहीं मरते, वो लोग मरते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि ओल्ड लोग हो गए, बच्चे हो गए, उनकी ना इम्यूनिटी कम होती है। जैसे ओल्ड लोग हो गए, उनकी तो वैसे भी उनको डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को कुछ ना कुछ बीमारी होती है, तो वो बीमारी को कोरोना वायरस बढ़ाकर उस फिर उनकी डेथ हो सकती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये वायरस आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे आज काढ़ा। मैं आपको बताऊंगी कि काढ़ा कैसे बनाते हैं और उससे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। तो हमारे पास है प्याज, ये बड़ा लेना है, मैं बड़ा वाला लूँगी अभी। ये है अदरक, तुलसी, हमारे पास है नींबू, फिर इसमें है लौंग, इसमें है ओवा, ओवा को क्या कहते हैं, अजवाइन, अजवाइन है ये, ये है काली मिरी, और इसमें है बड़ी इलायची, बड़ी इलायची मैं आपको बताती हूँ ये। इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हो और दालचीनी भी, दालचीनी भी ऐड करनी है, मैं करती हूँ इसमें। सो हम स्टार्ट करेंगे पानी उबालने से। तो हमें दो कप पानी लेना है, जो ये मेरी मम्मी से तो जब भी हमें जुकाम हो जाता है, या फिर मम्मी ना मेरी दो दो हफ्ते में काढ़े बनाते रहती है और सबको पिलाती रहती है पूरे घर को ज़बरदस्ती, आपको कुछ हुआ हो नहीं हुआ वो काढ़ा पियो, ऐसा है। तो मैंने मम्मी से सीखा। सबसे पहले हमें प्याज को काट कर लेना है। एक बार इसे छिलका निकालने के बाद हम धो देंगे ताकि हमारे आँख में आंसू ना आए। अरे यार वैसे तो निकल जाता है, तो प्रेशर है यहाँ पे, अब निकल नहीं रहा है अभी। तो अब हम इसे धो देंगे, अब हम इसे काट लेंगे, छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तुलसी। तुलसी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तुलसी हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा हर्ब है। जैसे आप जानते होंगे तुलसी हर एक चीज़ में यूज़ होती है, और डेली अगर आप चार पत्ते खाओ ना, आपको कभी जुखाम खांसी कुछ भी नहीं होगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड हर्ब फॉर योर इम्यून सिस्टम। इसके बाद हम काटेंगे अदरक। तो अदरक को भी हमें इतना भी छोटा नहीं करना है, पर इसके थोड़े बड़े बड़े पीसेस करके हम, जैसे इसके मैंने चार टुकड़े कर दिए, जैसे अदरक की चाय पीते हैं लोग वैसे अदरक का काला। उसके बाद हम 10 लौंग काफ़ी है। नेक्स्ट हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन तो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये आपका ओवरऑल हेल्प करेगा। उसके बाद काली मिरी, क्योंकि काली मिरी हमारे बॉडी के लिए गर्म होती है। फिर हमें 3 बड़ी इलायची डालनी है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या है बड़ी इलायची का, पर है, मम्मी ने बोला है तो है ना। और अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेमन, इससे अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, पर नहीं, जो हमारा मेन पर्पस है वो पूरा होना चाहिए। तो अब हमें करना है वेट, कि ये एक जो हमने 2 कप डाले थे उसे 1 कप होने देना है, मतलब वो एकदम हो जाए 1 कप। तो अभी हमारा काढ़ा रेडी हो गया है, तो हम इसे बंद कर इसे छान लेंगे।
So, अब हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है. नॉट बैड. थैंक यू. तो ये जो हमने आज काढ़ा बनाया है, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, सिर्फ 3-4 सिप्स पीने हैं. पर हम इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं, इसे कल भी पी सकते हैं और परसों भी पी सकते हैं. थोड़ा गर्म वॉर्म पियोगे तो बहुत असरदार है ये. तो भाई सिमरन और उनकी फैमिली ने कोरोना से बचने के लिए ढेर सारे तरीके तो इजाद कर लिए, लेकिन घर पर एक छोटा सा टेस्ट है जो आपको बता सकता है कि आपकी इम्यूनिटी ठीक है कि नहीं और आपको कोई कोरोना जैसे लक्षण तो नहीं. और ये टेस्ट है 10 सेकंड चैलेंज. 10 सेकंड तक अगर आप अपनी सांस रोक पाए और आपको खांसी या कोई डिसकंफर्ट नहीं होता है तो आप सेफ हैं. भाई सिमरन के साथ ये 10 सेकंड का चैलेंज लेते हैं और जानते हैं इस 10 सेकंड ब्रीदिंग टेस्ट के बारे में भी. तो देखा मैं ऐसे या तो मैंने अपनी सांस छोड़ी नहीं तो मैं ठीक हूँ. अब तक तो मैं सेफ हूँ. जैसे टिकटॉक पे आजकल मैं देख रही हूँ वीडियोस डाल रहे हैं लोग के फ्रेंड्स, हेलो मुझे कोरोना वायरस हो गया है और मुझे अपने पेरेंट्स से दूर रखा गया है. ऐसे सब झूठ मत बोलो, क्योंकि उससे ना लोगों को डर फैलता है कि इतने सारे लोगों को हो गया, शिट तो हमें भी हो जाएगा. ये यू नो लोगों में खौफ फैल जाता है इस वायरस के बारे में. इसलिए आप ऐसे सब मत करो और बस अपना ध्यान रखो और ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पर मत जाओ. ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है. तो कुछ सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, अगर आपको वो है तो ही हो सकता है आपको कोरोना वायरस है, वरना नहीं है. ठीक है, जैसे कि अगर आपकी नाक बह रही है, आपको सूखी खांसी हो रही है, ये नॉर्मली भी होती है लोगों को. ठीक है, पर आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, आपके हाथों पैरों में दर्द हो रहा है और अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर अगर मतलब अगर ये सारी चीज़ें आपको है तो हो सकता है, इसमें भी कंफर्म नहीं है पर हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस है. तो आप जाइए डॉक्टर के पास, अपने आप को दिखाइए और अगर ऐसा कुछ है तो पैनिक मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खुश रहिए. और अगर आपको खुद चेक करना है, जो आप चेक करो वो ऐसे कंफर्म नहीं हो सकता, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हो. पर अगर आपको चेक करना है कि कोरोना वायरस आपको है या नहीं, तो आप अपनी सांस 1 मिनट तक रोकने की कोशिश कीजिए. अगर आपको ब्रेथनेसलेस फील हो रही है तो उसका मतलब है कि आपके पास वो सिम्टम्स है, आपको वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. सो प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर. और ये एक वीक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबको अपना ध्यान रखने के लिए, क्योंकि एक वीक में सबसे फर्स्ट वीक में सबसे कम केसेस थे, फिर सेकेंड वीक में बढ़े, थर्ड वीक में अगर आप देखोगे तो सारे कंट्रीज़ के मैक्सिमम ये थे लोग थे जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड थे. अब अगर हम ये 2 वीक्स अपना ध्यान रख ले तो शायद हम इस कोरोना वायरस को हमेशा के लिए वी कैन स्टॉप इट, क्योंकि वैसे भी गर्मी आने वाली है तो हो ही जाएगा. पर ये 3rd और 4th week बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. वैसे कोरोना वायरस के चलते देश भर के बच्चों को छुट्टी मिल गई है और इसीलिए सिमरन को अपनी छोटी बहन के साथ ज्यादा वक्त बिताने का टाइम मिला है. तो ये एक मौका है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खुशियां बांटने का. जरा देखिए सिमरन अपनी छोटी बहन के साथ कैसे खुशी से डांस कर रही है. भाई अगर नॉर्मल डे होता तो बहन स्कूल में होती और सिमरन शूटिंग पर, लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते दोनों बहनों को एक साथ मस्ती करने का मौका मिल रहा है, तो ये खुशी की बात है ना. वैसे इनकी बहन थोड़ी दुखी है कि उनके एग्जाम्स वो नहीं दे पाई, लेकिन दोनों बहनें एक बार फिर से घर पे साथ रहकर कर रही हैं मस्तियाँ. भाई ये कोरोना का थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है. तो अभी जैसे ये कोरोना वायरस चालू है, इसके लिए हम लोग स्कूल की छुट्टी है और हमें डायरेक्ट प्रमोशन मिला है, इसके लिए हम डायरेक्ट मुझे इस बार की एग्जाम देनी थी. वो इतना बता रही थी कि इतना दुख हो रहा है. आई नो सारे बच्चों को बहुत खुशी हो रही है छुट्टी मिल गई है. और
और एग्जाम्स देने नहीं पड़ रहे हैं सबको, उनको सबको छुट्टी मिल गई फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड को बिना एग्जाम के पास कर रहे है ना। पर हमें खुशी नहीं है क्योंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ के रखा था। मैं बड़ी हूँ तो, पर मैं ही जीतती हूँ हमेशा क्योंकि मुझे बस इसको ऐसे आगे दिखानी होती है, ये खुद ही हार जाती है। तो भाई सिमरन, उनकी फैमिली तो कमर कस के तैयार है इस वायरस किट लेने के लिए, तो आपने भी अपने घर में छोटे छोटे इंतजाम किए होंगे, तो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए, खुश रहिए, अपनी हॉबीज डेवलप कीजिए जैसे सिमरन ने अपनी खुशी इस गाने से बयां की। परसी गा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। थैंक यू। कोरोना वायरस के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, कोई नहीं मरने वाला है तो पर हाँ, उसे बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे मॉल्स में जो थिएटर्स होते हैं, थिएटर्स बेसिकली बंद कर दिए, तो हम भी इतना ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पर नहीं जाएं। और ये एक बात है कि जैसे दो तीन चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम छींकते हैं तो हम कैसे छींकते ऐसे नहीं छींकना है, अगर हम छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो हमेशा, मतलब सिर्फ अभी के लिए नहीं, अभी कोरोना वायरस का डर है इसीलिए नहीं, पर हमेशा हमें या ऐसे छींकना या खांसना चाहिए ताकि जो जर्म्स है वो हमारे हाथ में ना लगे और फिर हम किसी और को ट्रांसफ़र ना करें। तो भाई पूरे विश्व की तरह भारत में भी सब लोगों ने तैयारी कर ली इस वायरस से लड़ने के लिए, और आज सिमरन के घर में जाकर हमें पता चले हमारे सदियों पुराने नुस्खे जो शायद इस वायरस से लड़ने में काफी कारगर हो। तो उम्मीद है सिमरन के साथ आपने कोरोना वायरस के लड़ाई के लिए ये छोटी छोटी बातें जरूर जानी होंगी। थैंक यू सास बहू बेटिया मेरे घर आने के लिए, आपको मैंने ये बताया है कि काढ़ा कैसे बनाना है, फिर अगर सैनिटाइजर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो आप अपने घर पे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, अपने मास्क खुद घर पे बना सकते हो, तो आप प्लीज़ डरिए मत इन सब चीज़ों से, अवेयरनेस फैलाइए रूमर्स नहीं, और अपना ध्यान रखिए और कुछ दिनों के लिए क्राउडेड प्लेस पर मत जाइए, और ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का है ना, क्योंकि स्कूल में भी छुट्टियां हो गई है, बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सो अपने घर पे अच्छे से आराम से मूवीज़ देखिए, टीवी देखिए, अच्छे अच्छे खाना बनाइए, काढ़ा बना के पीजिए, और सबका ध्यान रखिए। थैंक यू और खुश रहिए। तो खुश रहिए, अफवाहें मत सुनिए, गलत न्यूज़ नहीं सुनिए, सफाई रखिए, नमस्ते कीजिए, और सिमरन की तरह वायरस से लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहिए। विशाल शर्मा, मुंबई, आज तक। We'll be right back.